हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फोर क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 5 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है जिसको आपको रीड करना है, और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस। तो आपको जो ये एक्सट्रैक्ट दिया गया है ये आपका चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। और फिर इसमें से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज अ स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। जो लॉस्ट चाइल्ड है ये एक स्टोरी है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई। इन द स्टोरी चाइल्ड विजिट अ विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। स्टोरी में क्या होता है कि एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर जाता है, मेला देखने जाता है। आप बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाते हो, ठीक है, या पहले गए होगे, ठीक है। तो ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। और जब बच्चे मेला देखने जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। Fascinated by the toy shops on the way, जो भी रास्ते की toy shops हैं वो उनकी तरफ आकर्षित होता है। He demands for them, उनके लिए वो demand करता है, but receive a cold stare of refusal from his father, लेकिन वो अपने parents से केवल ना ही सुनता है। cold stare होता है ना, जैसे आँखें जो है, जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं ना तो parents ऐसे आँखें निकाल देते हैं, तो cold stare घूर देते हैं ऐसे कि नहीं लेनी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है बच्चे के साथ, बार बार जो है चीज़ों के बारे में पूछता है कि ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, ये दिलवा दो, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके जो फादर हैं वो उसकी तरफ केवल आंखें घूर के देख लेते हैं, ठीक है। और आंखें घूरने का मतलब क्या होता है कि ना है, रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं लेना। नाउ देन दे पास थ्रू अ मस्टर्ड फील्ड, दे आर ही मेस्मराइज्ड बाई द नेचर। अब क्या होता है कि वो एक सरसों का खेत है, ठीक है, उसके पास से गुजरते हैं और वहाँ पर नेचर का आनंद लेता है वो। वहाँ पर जो है ना फ्लावर्स होते हैं, उनके साथ वो एक फ्लावर्स इकट्ठे करता है। फाइनली दे रीच द फेयर, लास्ट में जो है क्या होता है कि वो फेयर में पहुँच जाते हैं। देयर ही इज़ अट्रैक्टिड टू अ स्वीट मीट सेलर। अब वहाँ पे जो स्वीट जो है मीट सेलर है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। फ्लावर सेलर है उसको देखता है, बैलून सेलर है, स्नेक चार्मर है, क्लियर, जो वो स्नेक का खेल दिखाता है उसकी तरफ वो क्या होता है अट्रैक्ट होता है, सारी चीज़ों को वो देखता है। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग बट ही नोज दैट इट विल बी टर्न डाउन। अब वो हर एक चीज़ के लिए जो है एक तरह से ऐसे होता है ना विस्पर करना, धीरे धीरे बड़बड़ाना कि ये ले लूँ, ये ले लूँ, ऐसे करता है वो मर्मर एंड, लेकिन उसको जो है जवाब में उसको ना ही मिलता है। विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही कीप मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या होता है कि जब कई बार उसने पूछ लिया और उसको ना ही मिला तो अब वो केवल पूछता है, उसको आंसर का वेट नहीं करता है, क्लियर। ही कीप मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे चलता रहता है, पूछ लेता है, वेट का उसको आंसर का वेट ही नहीं है अब, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं केवल उसको मना ही करने वाले हैं, इसलिए वो आंसर की वेट नहीं करता। देन ही कम्स नियर ए राउंड अबाउट। अब वो एक जो होता है ना गोल गोल झूला, बड़ा झूला राउंड अबाउट ऐसे गोल गोल घूमता है, उसके पास आ जाता है। वेयर ही गैदर करेज। अब वो वहाँ पर एक तरह से साहस जुटाता है कि यहाँ तो बस मुझे बैठना है और मुझे अपने पेरेंट्स से पूछना ही पूछना है। एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट, और एक तरह से जिद लगा के जो है रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इसके ऊपर बैठना है। बट अलास, बट लेकिन बड़े दुख की बात है, हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर, कि उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं ही नहीं। यानी अब वो ठान के बैठा है कि बहुत मना कर लिया, अब की बार मैं जो है हाँ भरवा के रहूँगा और इस झूले पर बैठूँगा। जैसे ही वो पीछे देखता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूँ, लेकिन वहाँ पर उसके पेरेंट्स ही नहीं हैं। ही इज़ लॉस्ट, वो खो गया है, बच्चा खो गया है। ही फ्रेंटिकली लुक्ड अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम। वो एक तरह से होता है ना कि बहुत उत्तेजित जो है भावना के साथ, उत्तेजना के साथ ऐसे एकदम से चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। ही अप्रोच नियर ए क्राउडेड श्राइन अबाउट टू गेट ट्रम्पल्ड, ही श्रिक इन अ लाउड वॉइस एंड अ मैन कम्स टू हेल्प हिम। अब क्या होता है कि वो
जो भीड़ है उसमें एकदम से श्राइन का मतलब होता है ना कि जैसे चिल्लाता है एंड ट्रम्पल्ड ही श्रीक, एक तेज़ आवाज़ में जो है वो मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसे करके चिल्लाता है और एक आदमी जो है उसकी हेल्प के लिए वहाँ पर आता है। द चाइल्ड इज़ क्राइंग इनकॉन्सोलेबली आस्क्ड फॉर हिज पेरेंट्स, वो बच्चा जो है अपने मम्मी पापा के बारे में पूछता हुआ लगातार जो है रोते जा रहा है, ठीक है, यानी उसको वो जो आदमी है वो कंसोल नहीं कर पा रहा है। इनकंसोलेबली का मतलब उसको चुप करा ही नहीं पा रहा है, वो इतना ज़्यादा सुबकियाँ भर भर के रो रहा है। द मैन ऑफर हिम अ राइड इन द राउंड अबाउट, अब आदमी जो है वो उसको ऑफर करता है एक झूले में झुलाने के लिए। टू लिसन टू द म्यूज़िक ऑफ स्नेक चार्मर, ठीक है, जो स्नेक चार्मर है उसका म्यूज़िक सुनाने के लिए उसको ऑफर करता है। ऑफर अ रेनबो कलर्ड बैलून, उसको इंद्रधनुष वाले जो बैलून हैं उनको ऑफर करता है, उसको लेने के लिए बोलता है। अ गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक, वो एक हार खरीदने के लिए उसको बोलता है, ठीक है। एंड अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू, और उसको मिठाई का गिफ्ट भी वो उससे उसको ऑफर करता है। लेकिन बच्चा जो है क्या करता है, बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग, लेकिन बच्चा सारी चीज़ों को मना कर देता है। ऑल दैट ही वॉन्ट इज़ हिज मदर एंड फादर, उस समय उसको केवल अपने मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। जब मम्मी पापा थे तो जो है उनको वो उसको सारी चीज़ें मना कर रहे थे, लेकिन जब मम्मी पापा खो जाते हैं तो उनसे ज़्यादा जो है उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, उसको केवल मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। तो ये एक लव का बॉन्ड दिखाया गया है मम्मी पापा और बच्चों के बीच में, कि पेरेंट्स जो है वो कैसे भी हैं बच्चों के लिए हमेशा सोचते हैं और बच्चे उनसे हार्डली अटैच होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स डज नॉट एम्प्लाई दैट, अब इसमें आपको बताना है कि जो बच्चा है वो विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, बिना ही किसी रिस्पॉन्स के वो जो है आगे चलता जा रहा था, ये कौन सा इसमें जो सेंटेंस दिया गया है वो इसमें इम्प्लाई नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया गया है, हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, उसके पेरेंट्स जो है उसको सुन रहे थे, ये है। सेकंड देखिए, ही वांटेड टू सी एवरीथिंग, वो जो है जो सारी चीज़ें हैं उनको देखना चाहता था। सी है, हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी डिमांड को नहीं मान रहे थे, उसकी जो मांग है उसको मान नहीं रहे थे। एंड डी है, ही डिड नॉट वांट टू वेट फॉर देम टू रिप्लाई, वो उनका जो रिप्लाई है उसके लिए वेट ही नहीं कर रहा था। तो इसमें अगर आप देखें तो आपका सी भी रहेगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो वेट भी नहीं कर रहा था और वो एक्साइटेड भी था सारी चीज़ों को देखने के लिए, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है आगे आगे चल रहा था। बी भी आपका ठीक रहेगा। तो इसमें जो यहाँ पर नहीं जा रहा है वो है हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसको सुन रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसके पेरेंट्स वो लगातार मना कर रहे थे। सो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, सेकेंड देखिए, राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रेफर टू, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है आपको इसमें राउंड अबाउट क्या है। ए, ये पिक्चर दी गई है, ठीक है, तो झूला होता है राउंड अबाउट, तो इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, राउंड अबाउट झूला ये होता है, डी आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया है, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग इम्प्लाई दैट ही इज़, तो इसमें जो दिया गया है आपको थर्ड में एक्सट्रैक्ट में जो आपको दिया गया है, आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर, जब बच्चा खो जाता है, द बॉयज फीलिंग इम्प्लाई, बॉयज की फीलिंग जो है वो कैसी थी। ऑप्शन ए, सेट टू हैव नो मनी टू स्पेंड, ठीक है, वो उदास था, उसको पैसे खर्च नहीं करने। एंग्री विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से एंग्री था। फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग देम, उसके बाद उसकी स्थिति जो है वो दयनीय हो गई थी खो जाने के बाद। एंड सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, और अकेला वो बहुत खुश था। तो बच्चा कैसा था, बच्चा जो है वो मिजरेबल कंडीशन में था, सो फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग देम, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, द चाइल्ड गॉट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, चाइल्ड जो है वो बाजार में जो मेला था उसमें खो जाता है, ठीक है, फेयर में, तो क्यों। ऑप्शन ए, ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, वो अपने आप ही जल्दी जल्दी चलता है। ऑप्शन बी, द शॉपकीपर वर कॉलिंग हिम, शॉपकीपर उसको बुला रहे हैं। ऑप्शन सी है, द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम टू ज्वाइन, स्ट्रेंजर जो है उसको एक तरह से ज्वाइन करने के लिए कहता है। एंड डी, हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, उसके पेरेंट्स ने उसको दूर जाने के लिए कहा है।
तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन। ठीक है, वो जो है खुद ही क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, क्योंकि वो सारा जो फेयर है उसको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कभी उसको कुछ दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, तो वो हर एक चीज़ को जल्दी जल्दी देखना चाहता है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या है, इसलिए वो बहुत फास्टली जो है चलता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राई टू, स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर जो है, जो स्ट्रेंजर है वो उसको क्या करता है, प्ले सॉन्ग्स फॉर हिम, उसके लिए गाना चलाता है, बी कंसोल हिम, उसको जो है सांत्वना देता है, आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे मांगता है, या स्कोल्ड हिम, या उसको डांटता है। तो जो स्ट्रेंजर है वो उसको कंसोल कर रहा है चुप होने के लिए, क्लियर, उसको चुप कराने की कोशिश करता है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड थ्रू द एक्सट्रैक्ट। तो आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन चूज करने हैं जो बच्चे की फीलिंग है जो भी एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। तो देखिए, बच्चा हैप्पी है, ठीक है, सेकंड आपको दिया गया है बच्चा एंग्री है। सो इसमें अगर हम देखें तो बच्चा हैप्पी है, एंग्री नहीं जो है, बच्चा यहाँ पर एंग्री भी होता है, बाद में होता है, क्लियर, क्योंकि उसके पेरेंट्स जब उससे उसको मना करते रहते हैं तो वो एंग्री होता है। एंड थर्ड स्लीपी वो नहीं है, मिजरेबल भी है, ठीक है, एंड ऑकवर्ड भी वो, ऑकवर्ड वो नहीं है, ठीक है, यानी जागरूक नहीं है एक तरह से, इसलिए वो खो जाता है। रिलीफ जो है ये भी यहाँ पर नहीं है, एंड फियर वो डरा हुआ है, जब वो खो जाता है तो वो डर जाता है। तो इसमें आपका आंसर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सेवन्थ रहेगा। तो देखिए ये किस में दिया गया है, डी जो है आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्लियर। तो यहाँ से अब देखिए, फोर्थ का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर आपका बी, एंड सिक्स्थ का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैं इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।